व्यक्ति का जो सबसे महत्वपूर्ण कार्य है वो परमात्मा को बचाना है, भगवान को बचाना है। कोई काम करो या मत करो, भगवान बच गया तो आप भी बच जाएंगे। तो भगवान को बचाना सबसे पहला काम है। भगवान कोई मंदिरों में, कहीं आकाश में, कहीं किसी पहाड़ों पर थोड़े बैठा है। भगवान बैठा है आपके अंदर, उसी भगवान को बचाना है। वो अपने आप नहीं बच सकता, उसमें क्षमता अपने आप बचने की नहीं है। और बचने के लिए आपको समझ दी है, आपकी समझ आपको बचाएगी, आपको नहीं भगवान को। आपके अंदर परमात्मा बैठा है, कोई और परमात्मा बाहर नहीं बैठा जो आपको बचाता हो। आपकी समझ आपके अंदर बैठे हुए परमात्मा को बचाती है। तो हमेशा ही ध्यान रखें कि जिस मंदिर में आपका परमात्मा बैठा है, हर एक का अलग परमात्मा है, आपका परमात्मा आपके अंदर बैठा हुआ है, तो उस परमात्मा बैठा है इस मंदिर में, कौन सा मंदिर, जो शरीर का मंदिर है, उसमें विचार भी शुद्ध हो, उस मंदिर को बचाए रखना भी है। ये मंदिर बचे या टूटे या न बने, इनसे कोई असर नहीं पड़ता। इन मंदिरों का कोई उपयोग नहीं है। इन मंदिरों का उपयोग तो सिर्फ इतना ही है कि महास्वार्थी लोग अपने अपने काम के लिए मंदिर और मस्जिदों को बना बना के वोट और विभिन्न प्रकार की राजनीतियां करते हैं। जैसे राम मंदिर बन गया, वो किसी भी पार्टी के लिए एक एजेंडा का तरह से है कि वो ठीक है बन गया, उसके लिए एक प्रोपगंडा है। लेकिन आपका मंदिर, आपका मंदिर आपका शरीर है, उसको बचाए रखना है। आप मोटरसाइकिल से आते हैं तो इतनी सावधानी से गाड़ी चलानी है कि बेहोश लोग रोड पर अनाप शनाप गाड़ियां चला रहे हैं, उनसे आपका बचाव होता रहे। बिना हेलमेट के मोटरसाइकिल पर बैठना ही नहीं, बढ़िया से बढ़िया हेलमेट होना चाहिए, नहीं भगवान मर जाएगा और आपको इसका एहसास भी नहीं होगा। एहसास करने के लिए आप बचेंगे भी नहीं, क्योंकि उस भगवान में आपको, आप बचा सकते हो भगवान को। भगवान अपने आप बचने की क्षमता नहीं रखता। और आप का मतलब है आपकी समझ। आप समझदार हैं तो बचे रहोगे, समझदार नहीं है तो पता लगा कहीं भी चक्कर में आ जाओगे। कभी भी बिना हेलमेट के मोटरसाइकिल नहीं चलानी। मोटरसाइकिल चलाते वक्त बहुत सावधान रहना है, इतना ज्यादा कि आपकी गलती आप ना करें। लेकिन ये भी ध्यान रखना है कि आप रोड के दाएं तरफ चल रहे हैं, अंदर चल रहे हैं, तो पता लगा कि दूसरे की बेहोशी का क्या करेंगे। तो बेहतर है जितना बचाव हो सके साइड में चलें। और मेरे को इतनी वेदना हुई जब आज वो एक्सीडेंट हुआ। उस लेडी पे कोई हेलमेट नहीं था, और हेलमेट होता भी तो वो तो जो पहिया है उसमें उसके चुन्नी आ गई थी। कई बार लड़के लड़कियां ये भी करते हैं, किसी की भी मोटरसाइकिल पर लड़कियां बैठ जाती हैं। ऐसी गलती मत करना, नहीं बैठना। कह दो कि तेरा परमात्मा मरता हो तो तू मारा है अपने परमात्मा को, मेरे को कोई असर नहीं पड़ता, मेरे परमात्मा को मुझे बचाना है, ठीक है ना। तो ये जरूर ध्यान रखिएगा। और बड़े शहरों में व्हीकल बहुत हैं, भीड़ भाड़ बहुत है, बहुत ध्यान से चलाना है। मैं इतने सालों से गाड़ी चला रहा हूँ, कभी कभी हाईवे जहाँ खुले हैं वहाँ थोड़ा सा स्पीड में भी चलाते हैं, लेकिन बड़े होश में चलाते हैं। कभी ऐसा नहीं हुआ कि किसी के साथ ऐसे टच हो गई हो। बहुत सावधानी से दूसरों का भी ध्यान रखते हैं। कभी ऐसा नहीं किसी मोटरसाइकिल वाले में या किसी भी इस तरह गाड़ी टच हुई हो ना। तो ये ध्यान आपको रखना है, क्योंकि आपका बैठा हुआ परमात्मा आपके अंदर बना रहेगा तो इस संसार में सब कुछ है, वो चला जाएगा तो कुछ नहीं है। वही जीवन है, वही परमात्मा है, वही भगवान है। और कोई भगवान और कोई परमात्मा बाहर नहीं घूम रहा है। बाहर मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे पहाड़ मूर्तियां पूजा पाठ, इनमें कोई परमात्मा नहीं है। ये तो बस हम एक सॉफ्टवेयर डेवलप करते हैं जो हमारे दिमाग में फीड हो जाता है, नहीं हमने पूजा कर ली है तो कुछ हो जाएगा। सच ये है कभी कुछ नहीं हुआ और होता भी नहीं है, ठीक है ना। तो आप लोग ध्यान रखिएगा सावधानी से। तो मुझे बड़ा दुख हुआ आज उस एक्सीडेंट का, और मेरे सामने हुआ, मेरे सामने वो लेडी गिरी। मैं और ये जितना ये सामने दीवार है इतनी ही दूरी। तो आप सबके पास मोटरसाइकिल है, स्कूटी है, इसलिए मैं आपसे कह रहा हूं।
जब स्कूटी चला रहे हैं तो सिर्फ स्कूटी ही चलाइए, मोटरसाइकिल चला रहे हैं मोटरसाइकिल ही चलाइए। बहुत सारे लोग कानों में वो लगा लेते हैं और उसमें बात करते जाते हैं, अरे कुछ नहीं बिगड़ रहा, थोड़ी देर बाद बात कर लेंगे। आजकल तो कानों में लगाने के आगे जिम में फोन रखा रहता है, आप वो बातें करने लगते हो। कोई बात नहीं, आप मुश्किल से एक समय में 15 से 20 मिनट या आधा घंटा तक मोटरसाइकिल या स्कूटी चलाते हो, आधा घंटा बात नहीं करेंगे, वहां पहुंच के कर लेंगे। और कोई फर्क नहीं पड़ता कि जब आप मोटरसाइकिल या स्कूटर पे जब हैं तो आपने फोन नहीं उठाया है, तो दुनिया में कुछ भी नहीं बिगड़ा जा रहा। आपका भी फोन स्विच ऑफ है, आप कभी सोचते पता नहीं क्या हो जाएगा, कुछ नहीं हो रहा, बकवास बातें हैं। और हो जाएगा तो आप कर भी नहीं लेंगे, ठीक है ना। जब आप अपने काम में संलग्न हैं, गाड़ी पे चल रहे हैं, तो किसी कसम खा लो कि नहीं उठाना फोन। आपको पता ही नहीं चलेगा कब ध्यान इधर से उधर हो गया। और जब हो चुकेगा तो मंदिर की एक आध दीवाली टूटेगी, मतलब हाथ पैर टूट जाएंगे, तो भी खतरनाक है। और मंदिर ज्यादा ध्वस्त हो गया तो परमात्मा ही भाग जाएगा, और परमात्मा भाग जाएगा तो आपको पता ही नहीं चलेगा कब भाग गया। पिछले जन्मों में भी आपका परमात्मा ऐसे ही भागा होगा, तो आपको कौन सा पता है पिछले जन्म में क्या हुआ था। पहले भी ऐसे ही शरीर था, तो वो आपको पता थोड़ी है, हमें भी पता नहीं, किसी को भी नहीं पता होता। तो बस सावधानी नहीं हटनी चाहिए, ठीक है ना। तो सब लोग ये ध्यान रखेंगे, संकल्प लेंगे इस बात का आज से कि 2 व्हीलर पे जा रहे हैं आ रहे हैं, बहुत सावधानी से जाएंगे।